हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रोटीन और फाइबर के साथ भरपूर एक सैलड की रेसिपी। जो लोग स्पेशली डाइट करते हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। चलो बनाते हैं। ये बहुत ही इजी और 5-10 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी है। सबसे पहले मैंने आइस के ये मैंने पनीर के कुछ क्यूब्स लिए थे, तो उसको मैंने और भी हाफ उसके अंदर डिवाइड कर दिया था। ये चना ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखा था, तो जो ककुम्बर के कुछ पीस थे वो मैंने उनको पिल नहीं किया, तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया था साल्ट। तो मैंने कॉर्न बॉईल किए हुए थे वो डाले हैं इसके अंदर, तो टमाटर डाले हैं, अनियन डाला है, अनियन मैंने ज़्यादा नहीं डाला, उसका थोड़ा हाफ ही डाला है। तो आप ये अभी इसके अंदर मैंने लेमन ऐड किया है, साल्ट, लेमन और ब्लैक पेपर, ये तीन चीज़ मैंने खाली ऐड की है। बाकी मैंने सब जो ककुम्बर, अनियन और चना और इसके अंदर कॉर्न, बस ये ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। जो ये मेरा सैलड बन के रेडी हो गया है। जो लोग डाइट करते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी बना था, तो खाने के लिए तो अच्छा लगने ही लगना है। ये देखने के लिए भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसके अंदर सॉस वगैरह ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया। आप चाहे तो ब्रोकली वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने वो नहीं ऐड किया। ये मैंने सिंपल बनाया, आप इसको और भी हेल्दी बना सकते हो और ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।